और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है, डॉक्टर सौम्या गुर्जर बर्खास्त की गई है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य के ऊपर है, वो देखे कि इस मसले में क्या कुछ करना है, और उसके बाद से ही सौम्या गुर्जर पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी। और अब यह फैसला लिया गया है, 2 दिन का समय दिया गया था, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से बता रहे हैं। ये पूरा मसला जब शुरू हुआ था उसके बाद से ही लगातार कोर्ट में गया था, कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक बार फिर से जब वो मेयर थी उनको हटाया गया था, शील धाबाई बनी ग्रेटर की मेयर, उसके बाद चुनौती सौम्या गुर्जर की तरफ से दी गई, कोर्ट में मसला चला, दोबारा से वो मेयर बनी, मेयर पद पर बैठी, और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। उन्होंने राज्य सरकार पर ये पूरा मसला छोड़ दिया, राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला करे, और राज्य सरकार ने अब ये फैसला किया है, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से सवाल यही कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर, अगर डॉक्टर सौम्या को बर्खास्त किया गया है, स्वायत्त शासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है, ये भी आपको बता दें, और अगर उनको बर्खास्त किया गया है तो एक बार फिर से सवाल ग्रेटर मेयर को लेकर उठता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मिल रही है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। पूरा मामला जब शुरू हुआ उसके बाद कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट में लंबा ये मामला चला, पद से हटाया भी गया और दोबारा से वो पद पर बैठी, और एक बार फिर से ये फैसला आया है, और ये फैसला बर्खास्तगी को लेकर है। सौम्या गुर्जर जिन्हें बर्खास्त किया गया है, कोर्ट ने ये कहा था कि 2-3 दिन में इसको लेकर फैसला कर ले, और ये फैसला अब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि बर्खास्त किया जाए, और बर्खास्त के आदेश जारी कर दिए गए हैं, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के आदेश। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डॉक्टर सौम्या गुर्जर से जुड़ी हुई, ग्रेटर मेयर से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी। जहां पहले मामला जो है वो कोर्ट में था, और कोर्ट से उम्मीद डॉक्टर सौम्या गुर्जर को थी कि उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन कोर्ट ने उनको निराश किया, और कोर्ट ने ये पूरा मसला जो है वो राज्य सरकार पर छोड़ दिया, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने ये बर्खास्तगी का फैसला लिया। और अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अभिषेक, निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया गया है डॉक्टर सौम्या गुर्जर को, बर्खास्त किया गया है, और क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए आदेश, अभी जैसे ही जो है मंत्री शांति धारीवाल ने जो है स्वीकृति दी उसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। ये जो आदेश ये बताता है कि जो न्यायिक जांच राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर के खिलाफ कराई थी, उस न्यायिक जांच में इनको दोषी माना गया था। घटना जो थी वो जून के महीने की थी, जो निगम आयुक्त के साथ जो दुर्व्यवहार का जो मामला था उसकी सरकार ने न्यायिक जांच कराई थी। पहले जो प्रारंभिक जांच कराई थी उसके बाद निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौम्या गुर्जर को वापिस बहाल किया गया। लेकिन जब न्यायिक जांच हुई, न्यायिक जांच में सौम्या गुर्जर को दोषी माना गया था। इसके आधार पे जो है सरकार ने आज ये कार्रवाई की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी इस मामले में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सरकार जो है 2 दिन छोड़ के कार्रवाई कर सकती है, तो 2 दिन की बजाय जो है 3 दिन सरकार ने दिए। उसके बाद आज 4th दिन जो है कार्रवाई की है और इनको बर्खास्त किया गया। निकाय चुनाव के लिए इनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। 6 साल तक जो सौम्या गुर्जर है वो किसी भी तरह का निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उसकी पात्रता के लिए इनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। अब जो है सरकार ने महापौर का चार्ज किसे दिया जाए इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है, इसको लेकर मंथन शुरू कर दिया है। जब निलंबन था सौम्या गुर्जर का, तब जो भाजपा पार्षद है शील धाबाई, उनको चार्ज दिया गया था महापौर का, और उनका 3-4 बार महापौर का चार्ज जो दिया जाता है 1 महीने के लिए दिया जाता है, उसको सरकार ने लगातार बढ़ाया भी था। जो 7 दिन के लिए जो दिया जाता है 2-2 महीने के लिए, उसके लिए बढ़ाया भी था। तो अब यही मंथन चल रहा है कि जहां तक संभावना शील धाबाई की नजर आ रही है कि जो है भाजपा पार्षद शील धाबाई को एक बार और मौका दिया जाए, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के नामों पर विचार सरकार के स्तर पर चल रहा है कि महापौर पद का चार्ज किसे दिया जाए, इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। जी
बिल्कुल अभिषेक, सौम्या गुर्जर के पास फिलहाल किसी तरह का कोई रास्ता नजर आता है? देखिए, सौम्या गुर्जर को जो आदेश दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में सुनवाई हुई 23 सितंबर को, जिसमें सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, जो सौम्या गुर्जर है उनके वकील ने भी अपना पक्ष रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश थे कि न्यायिक जांच सरकार करा सकती है, लेकिन न्यायिक जांच का जो भी रिपोर्ट होगी उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपने आदेश देगा। तो सुप्रीम कोर्ट तक में जब ये मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्वतंत्र किया कि सरकार जो है न्यायिक जांच के आधार पर फैसला ले सकती है। ये सरकार के विवेक पर निर्भर था कि वो इनको बर्खास्त करे, निलंबित करे या चेतावनी देकर छोड़ दे, ये सरकार के विवेक पर निर्भर था। लेकिन सरकार ने आज ये जो है कठोर फैसला करते हुए, बड़ा फैसला करते हुए उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। बिल्कुल अभिषेक, और ये कॉपी भी नजर आ रही है जिसमें पहले से, क्या ये प्रस्ताव पहले से ही तैयार किया गया था? देखिए, जो पूरा मामला चल रहा था, मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि सरकार जो है 2 दिन छोड़ के कार्रवाई करे, तो ये फाइल चल रही थी, उस हिसाब से फाइल पूरी तैयार की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, न्यायिक जांच के आदेश का हवाला देते हुए जो है फाइल चली। उस फाइल पे जब जो है मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंची, जो कि स्वायत्त शासन मंत्री है, उनके अप्रूवल के बाद ये आदेश जारी किया गया। बिल्कुल अभिषेक, और क्योंकि अभी जिस तरह से आपने बताया कि जो मसला है वो उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 2 दिन का समय दिया जा रहा है, अब अगर नए मेयर को देखें कि कौन हो सकता है, शील दाभा आपने एक नाम बताया कि पहले भी क्योंकि वो उस पद पर आसीन थी, तो एक बार उनका नाम दोबारा आ सकता है इसमें? बिल्कुल, वो दावेदार तो है। अगर हम दावेदारों की बात करें तो अगर सरकार की पसंद की बात करें तो जब निलंबन हुआ था सौम्या गुर्जर का, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है कांग्रेस के किसी पार्षद को मेयर बना सकती है, क्योंकि जो एक्ट है, जो नगर पालिका अधिनियम है या नियम है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अगर महापौर को निलंबित किया कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो चार्ज किसको दिया जाए। इसके ऊपर जो है कोई किसी तरह का नियम नहीं है, कि ये जरूरी नहीं है कि जो जिसका निगम में बहुमत हो उसी दल का जो पार्षद है वही बने, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी कांग्रेस के पार्षद को महापौर का चार्ज दिया जाता है, लेकिन सरकार ने उदारता दिखाई, बड़ा दिल दिखाया और लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, क्योंकि जो ग्रेटर नगर निगम है, उस ग्रेटर नगर निगम में भाजपा का बहुमत है, तो इसी बहुमत का और इसी जो जनमत है इसका सम्मान करते हुए भाजपा पार्षद को ही महापौर का चार्ज दिया था। तो संभावना यही है कि इस बार भी सरकार जो है कि जो लोकतंत्र की जो भावना है, जो जनमत है ग्रेटर निगम में, उसका सम्मान करेगी और किसी भाजपा पार्षद को ही महापौर का चार्ज देगी। इनमें जो सबसे बड़ी दावेदार जो नजर आती है वो शील दाभाई नजर आती है, और जो भी भाजपा की ये जो महापौर निगम ग्रेटर का जो महापौर का पद है वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है, तो भाजपा की जो ओबीसी महिला पार्षद है, या अगर सरकार चाहे तो कांग्रेस की कोई जो भी ओबीसी महिला पार्षद है उसको महापौर का चार्ज दिया जा सकता है। ठीक अभिषेक, 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है निकाय चुनाव के लिए सौम्या गुर्जर को, तो ऐसे में उनके लिए परेशानियां बहुत ज्यादा? बिल्कुल, कि निकाय चुनाव वो लड़ नहीं सकती, उसके लिए उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। लेकिन निकाय चुनाव का मतलब जो नगर पालिका स्तर के जो प्रदेश में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका के हो चाहे नगर परिषद के, जो भी स्थानीय निकाय चुनाव है उसके लिए उनको अयोग्य करार दिया गया है, लेकिन इसका विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। निकाय चुनाव वो लड़ नहीं सकती, इसी लिहाज से सरकार ने दो बड़ी कार्रवाई की, एक तो उनको बर्खास्त किया है और साथ ही उनको अयोग्य घोषित किया गया। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सरकार ने इसमें 4 लोगों को दोषी पाया गया था न्यायिक जांच में, जिसमें महापौर सौम्या गुर्जर खुद थी और उसके अलावा 3 पार्षद थे, जिसमें 1 पार्षद निर्दलीय था और 2 पार्षद जो थे वो भाजपा के थे। तो इन 3 को भी सरकार बर्खास्त कर चुकी है और जो महापौर है इनको भी, महापौर जो सदस्यता है निगम की उससे बर्खास्त किया गया। इट मीन्स अब जो है 4 सीटें खाली हो चुकी हैं। इन 4 सीटों पे जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से जल्द ही उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जो ये वार्ड खाली हुए हैं इनके लिए प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग ये जो 4 सीटें खाली हुई है इन पर उपचुनाव कराएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए, और ये बर्खास्तगी की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं।